हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा, मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके दैनिक राशिफल के लिए उपस्थित हुए हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए, और दैनिक राशिफल के साथ साथ पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 12 अक्टूबर सन 2022 दिन बुधवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना कार्तिक महीना, कार्तिक मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज तृतीया। नक्षत्र रहेगा आज भरणी, योग होगा वज्र, करण होगा वणिज और राशि होगी आज मेष। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि 11:29 पर मेष राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि इस प्रकार से रहेगी, 12:13 से लेकर 1:41 तक। और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी इस प्रकार से, आज प्रातः 11:49 से लेकर 12:37 तक। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे हम चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर में जो इस समय वर्तमान में प्रेजेंटली जो प्लेनेट्स की पोजिशन है उसी को बेस मान करके ये राशिफल जो आपका तैयार हुआ है, जिसको लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, इसकी करेंगे चर्चा। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप मेष राशि के जो जातक हैं कि बहुत से अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तरीके से अपनी ऐसी इस प्रकार की कोशिशें जारी रखनी होंगी कि आपको उन जैसे आप उन अवसरों के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज के लिए समर्पित हैं पूरी तरह से। इस प्रकार से आपको अपने एफर्ट डालने होंगे कुछ इस दिशा में, जो कि इस समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य लग रहा है हालांकि, और किसी खास विशेष अपना कोई व्यक्तिगत समारोह के लिए आप इन ऐसे अवसरों को, ऐसे मौकों को आप रोक करके जरूर रखिए, आपके लिए ये सही रहेगा। और आप साधारणतया आपका जो व्यवहार है, आपकी जो सोच है, उसके कारण आपके जो मित्र हैं वो आपके साथ बहुत लगाव रखते हैं, उनका आपके साथ जुड़ाव है और काफ़ी इफेक्शन है उनका आपके साथ। और उपाय आप कर सकते हैं आज, केसर लगी पीली मिठाई या फिर केसर का बना हलवा खुद भी खाएं और गरीब बच्चों में भी बांटें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। शुभ रंग आपके लिए है सफ़ेद और शुभ अंक आपके लिए आज 8। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। प्रिय साथियों, इस बात की अधिक संभावना बन रही है आज कि कोई आपके आसपास आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं आपके, उनको चुरा करके अपने प्रोफेशन में उनको अप्लाई करके उसका लाभ लेने की कोशिश उनकी रहेगी। जो भी आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं या कोई विशेष रूप से कोई एक व्यक्ति या उससे अधिक, ऐसा कुछ वातावरण बनने की संभावना है, इसलिए किसी से बात करने के समय पर थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। और आपको इस समय थोड़ा गंभीरता से अपने भी बारे में सोचना है, अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां आप साझा अगर ना करें तो आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा। यानी कि जो लंबे समय से भी आपके साथ जुड़े रहे हैं, कार्य करते रहे हैं, आप उनके ऊपर भरोसा भी क्यों ना करते हो चाहें, उनके साथ भी आप फिलहाल कोई अपनी व्यक्तिगत बात शेयर ना करें। वैसे आप इस दौरान जो है काफ़ी पेशेंस से काम लेने वाले हैं और जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान पाएंगे। उपाय आप करें अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए, नहाने से पहले नाभि में तेल लगाकर फिर पूरे शरीर में तेल लगाएं और उसके बाद स्नान करें, ऐसा करने पर आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी आपके। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए आज 7। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। प्रिय साथियों, आज का दिन आप मिथुन राशि के जो जातक हैं, आप सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला दिन रहेगा, अप एंड डाउन वाला। ग्रहों की चाल थोड़ा सा ऐसा कुछ संकेत दे रही है कि आप सुबह भावनात्मक थोड़ा अधिक रहेंगे और सब चीज़ों के बारे में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के
नजरिए से ही सारी बातें सोचेंगे, सब कुछ। इससे कुछ गलत फैसलों की भी संभावना बन रही है ऐसा होने पर, लेकिन शाम तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं और आप और स्पष्ट तरीके से सोच पाएंगे और देख पाएंगे और समझ पाएंगे चीजों को। उपाय आप कर सकते हैं, जेब में तांबे का सिक्का रखिए। आपकी नौकरी या व्यापार में आपके लिए बहुत ही ये एक तरीके से चार चांद लगाएगा। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए है 6। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन। देखिए आप जो कैंसर साइन के लोग हैं, जो भी आप कर्क राशि के जातक हैं, आपकी जो जवान है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत तेज है। तेज का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी तर्क के मूड में आ जाते हैं, तर्क करने के किसी के भी साथ, और आपका जो दिमाग है यानी कि जो माइंड है वो भी बड़ा मतलब तर्क करने में विश्वास रखते हैं आप दिमागी तौर पे भी। लेकिन आपकी ये योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको आप जो है अपने आप को अनसेफ भी फील करते हैं, उसके कारण भी ये प्रभावित हो सकती है आपकी जो ये योग्यता है इस चीज की। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर कभी कभी उसके साथ भी चलना उचित रहता है, हमेशा ही विरोध करना उचित नहीं होता। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। व्यक्ति को जीवन में अनुभव जब होते हैं तभी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा सीख मिलती है, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। अभिमान करने पर तो आपको उल्टा उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बाद में आप अच्छे और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और ऐसा अनुभव भी आपको होगा। उपाय आप करें, स्त्रियों को सफेद वस्त्र दान करने पर आपकी जो धन की स्थिति है उसमें सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए 4। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। प्रिय साथियों, आपको जो है अपने ऊपर कुछ ज्यादा यकीन है, ओवर कॉन्फिडेंट हैं आप। लेकिन ये इस प्रकार का ओवर कॉन्फिडेंस होना या ओवर कॉन्फिडेंट होना, अधिकार जताने की प्रवृत्ति से भी बचें और इस प्रकार से भी बचना है आपको कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से ना भरें। कई बार कुछ अधिक आत्मविश्वास के कारण गलतियां भी हो जाती हैं जिसका नुकसान उठाना पड़ जाता है व्यक्ति को जीवन में। तो जरूरत से ज्यादा अधिक मात्रा में आप जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं ओवर कॉन्फिडेंट, वो ना हो। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना कहीं ना कहीं नुकसान देता है, तो उस प्रवृत्ति से आपको बचना है और किसी भी व्यक्ति पर अधिकार जताने से भी बचिएगा। दूसरों पर अपनी राय भी ना थोपें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, अन्यथा कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको उठाना पड़ जाएगा। केवल सही होना ही काफी नहीं होता प्रिय साथियों, आपको इसके लिए इसका जो है अभी ध्यान रखना होगा और आप दूसरों को भी अपने इस तरीके के एटीट्यूड से नाराज ना करें, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो सब कुछ आपके मतलब अकॉर्डिंग चलेगा और सब कुछ ठीक रहेगा और आपको एक तरीके से उससे सुकून मिलेगा, परेशानी से बचेंगे आप। और जो आपके पहले से काफी टाइम से कुछ कार्य पेंडिंग पड़े हैं उनको आज आप पूरा कर सकते हैं। आज का दिन ऐसे उन कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त है। उपाय आप करें, साधु या गुरु को पीले या भगवा वस्त्र पांव छू करके उनके आप उनको भेंट करें सश्रद्धा। आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, शुभ अंक आपके लिए 9। कन्या राशि यानी कि वृगो साइन। अपने सभी विचारों को एक साथ रखकर उस पर विचार करना है आज के दिन, आपने सोचना है समझना है। इससे जो भी कॉन्क्लूजन आप जिस पर भी कॉन्क्लूजन पर आप पहुंचे उससे आपकी जो स्थितियां हैं वर्तमान में बनी हुई हैं उससे निपटने में काफी अच्छी हेल्प मिल जाएगी आपको स्वयं को, और अपने आप को उन चीजों में बिल्कुल ना उलझने दें, फंसने ना दें जिनमें आपका विश्वास नहीं है, जिन चीजों में आप बिलीव नहीं करते हैं। ऐसा इन चीजों को छोड़कर आगे बढ़िए, हम तो यही आपको सुझाव देंगे। इधर उधर की बातों में ना पड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा, मन को शांति रहेगी। हालांकि आपकी नेचर भी नहीं है ऐसी, लेकिन कई बार आपको ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। उपाय आप करें, दूध मिले जल से थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें नहाने वाले स्नान करने वाले जल में और फिर आप उससे स्नान करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए बहुत उपयुक्त उपाय है ये।
शुभ रंग आपके लिए है आज गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए आज 5। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन। प्रिय साथियों, आपसे सामाजिक जितने भी सामाजिक संपर्क हैं आपके, सोशली जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, उन पर थोड़ा ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है आज के दिन आपको। और आपके आकर्षक व्यक्तित्व जो है उसका भी सभी लोगों पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा पूरे दिन। इसके अतिरिक्त आपको उन लोगों पर भी ध्यान देना है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपनी व्यस्त कार्यशैली के बावजूद अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। उपाय आप करें, गणपति जी के मंदिर में मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा बच्चों को भी ये लड्डू प्रसाद के रूप में आप उनको बांटें। आपकी लव लाइफ के लिए बहुत सटीक उपाय है। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक आपके लिए आज 3। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। साथियों, आज के दिन या कह सकते हैं आज का जो दिन का समय है, ये लोग जो हैं, जो भी आपके बहुत अच्छे जो विचार हैं, ऐसे विचारों को सुनने के लिए काफी उत्सुक रहेंगे। आपसे कुछ सीखना चाहेंगे, उनकी ऐसी इच्छा रहेगी कि आपसे कुछ सीख पाए। आपको अब उनसे जो भी बात अपनी मनवाना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप अपनी बात उनसे पूरी करवा सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई ज्यादा अधिक प्रयास भी करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से प्रयास से ही बात बन सकती है। अपने अधिकार जताने की प्रवृत्ति को थोड़ा नियंत्रण में जरूर रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यह आपके खिलाफ जा सकता है, वरना अगर आपने इसको नियंत्रण में नहीं रखा, अधिकार जताने वाली प्रवृत्ति को, बस अपना दिमाग खुला रखें, ओपन माइंड ओपन हार्ट। और आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर भी आज मिल सकती है। अपना कोई करीबी है कोई, अगर उससे अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो जिससे आपका दिल मन दोनों प्रसन्न हो। उपाय आपके लिए बनता है, अपने प्रेमी या प्रेमिका को सुगंधित परफ्यूम या डियो या इत्र अगर आप गिफ्ट करेंगे तो इससे आपकी लव लाइफ में 4 चांद लगेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, शुभ अंक आपके लिए आज 2। धनुराशि यानी कि सेजिटेरियस है। साथियों, आज के दिन आपको अपने ही विषय में चिंतन अगर करेंगे तो जरा कुछ अच्छा रहेगा। एकांत में बैठ करके अपने विषय में सोचें, अपने बारे में विचार करें। और आपके जीवन में इस समय यूं तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी आपको एक प्रकार की थोड़ी बेचैनी जरूर महसूस बीच बीच में होती रहती है, जिससे आप दूसरों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, ऐसा कुछ स्थिति है। इसका एकमात्र समाधान यही है आपके लिए कि आप स्वयं के बारे में बहुत ही शांत दिमाग से, बिना किसी बेचैनी के परेशानी के सोचिएगा, जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। और आप सही इसका समाधान जरूर निकाल पाएंगे, सॉल्यूशन भी आपको जरूर मिलेगा। उपाय आप करें, अच्छी आर्थिक स्थिति देखना चाहते हैं अगर आप अपनी, तो नहाने से पहले नाभि में तेल लगा करके पूरे शरीर में तेल लगाएं फिर, और उसके बाद स्नान करें। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए 7। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन। आज के दिन आप काफी भावुक रहेंगे साथियों, इमोशंस काफी ज्यादा रहेंगे आपके दिल और दिमाग पर छाए हुए। आपको अपने अंतरात्मा की जो भावनाएं हैं, अंतर इनर वॉइस, और जो आपके विचार हैं, उनको व्यक्त करने की स्थिति आज के दिन आ सकती है आपके सामने, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और आपको इससे थोड़ा सा भय जरूर होगा, लगेगा, क्योंकि आपने इससे पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भावनात्मक संतुष्टि निश्चित रूप से मिलेगी। आपका कोई करीबी भी आज भावनाओं में बह करके आपसे बातें करेगा या बातें करना चाहेगा, लेकिन आपको जमीन से जुड़े रहते हुए, जमीन से जुड़े रहना है। अपनी जमीन से जुड़े हुए रहते हुए ही जो भी आप रिएक्ट करना है तभी करना है। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए सामने वाले को कि आप बहुत जो भी बात कर रहे हैं बहुत एरोगेंसी में कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको यह एहसास कराना है कि भाई देखो, मैं बहुत ही सिंपल और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, ऐसे ही मेरे विचार हैं और ऐसा ही मेरा सुझाव है। बहुत साधारण तरीके से सुझाव दे रहा हूं और बहुत अच्छे ढंग से दे रहा हूं।
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आप करें, ज्ञानी, विद्वान और न्यायकर्ता लोगों का सम्मान करेंगे तो आर्थिक स्थिति स्वतः ही मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 6। कुंभ राशि, यानी कि आज आप अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं कर पाएंगे, अनजाने तथ्यों के साथ, ऐसे कुछ जिनके बारे में आपको पहले से कोई नॉलेज ना हो या आप उनके बारे में जानते ना हो, ऐसी कुछ चीजों को लेकर के सहज महसूस नहीं करेंगे अगर आपके सामने वो चीजें आती हैं। इसलिए आप प्रयोग ना करते हुए थोड़ा जान पहचान वाली राहों पर ही आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनें जिससे आपका भली भांति अच्छा परिचय हो या उसके विषय में आपको अच्छी जानकारी हो। इस समय जो ये समय चल रहा है, इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए अगर करते हैं तो आपको इससे बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपका बर्डन कम होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। उपाय आप करें, सफेद चंदन का तिलक मस्तिष्क पर लगाने पर आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होगा। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए आज 5। मीन राशि यानी कि पाइसिस, आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बिल्कुल सही दिन है साथियों, और आज आप सामान्य से अधिक आक्रामक और दृढ़ व्यवहार करने वाले हैं। इससे आसपास के लोगों को भी थोड़ा सरप्राइज होगा आपको देख करके, और आपके व्यवहार को देख के, आपके बिहेवियर को देख करके उन्हें शायद आपके बारे में अपनी राय बदलने पर भी आज कहीं मजबूर ना होना पड़ जाए कि अच्छा भाई आप ऐसे इंसान हैं, लेकिन उनके आश्चर्य की भावना से आपको आज जरूरी मौका एक मिलने की भी संभावना है यहाँ पर, और इस अवसर का फायदा उठाने से आप बिल्कुल भी ना चूकें। उपाय आप करें, सफेद फूल कुछ पैसे सहित आप बहते जल में प्रवाह कर दें, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा उपाय है ये। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए आज 1। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उन सभी का दैनिक राशिफल जो कि हमने, जिसके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश की आपका आज का दिन किस प्रकार से व्यतीत हो सकता है। लेकिन साथियों, अब समय आ गया है कि जब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दें और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से भी लें इजाज़त। तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।